Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel Medicos Study Point. Myself, Dr. Vikash yadav, I am MBBS final year. So, बच्चों बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमें एक ऐसी आप वीडियो बनाओ जिसमें सारी काउंसलिंग डिटेल्स हमें पता चल सके, मतलब कि हमको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना हो। तो बच्चों मैं एक चीज आपको गारंटी से बोल दूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया ना, तो दोबारा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट प्रोसेस तक पूरा काउंसलिंग डिटेल इस वीडियो में समझाने वाला हूं, बिकॉज मैंने खुद ने काउंसलिंग की है यार। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैंने खुद आपकी तरह नीट एस्पिरेंट था, तो आई कैन गाइड यू इन मच अ बेटर वे, और बिल्कुल सारी सही सही क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है सर। सबसे पहले आपने एग्जाम दे दिया, अब आपको आपका एग्जाम का रिजल्ट का वेट करना है। जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा कि आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि आपको टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यू नीड 14 डॉक्यूमेंट्स, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, तो मैं आपको बिल्कुल बना दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट टेलीग्राम में दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां भी मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो चाहिए, वीडियो भी बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिजल्ट आने से पहले पहले तैयार रखना ही है टेलीकॉल, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता है बनवाने में, ठीक है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा विद इन वन वीक, रिजल्ट आने के एक वीक के बाद ही जो एनटीए है वो अपना एक स्केड्यूल रिलीज करेगा, उस स्केड्यूल के अंदर वो आपको पूरा बताएगा कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन से दिन आपको कॉलेज अलॉट करना है, फिक्स करना है, कौन से दिन आपके कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, एंड कौन से दिन आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ये सारा जो स्केड्यूल होता है वो एनटीए रिलीज करता है विद इन वन वीक ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सर आपका रिजल्ट आने के बाद भैया एक वीक हो गया, ठीक है। एक वीक होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो एनटीए ने स्केड्यूल रिलीज किया है दैट विल बी योर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन सा राउंड बोला मैंने, फर्स्ट राउंड में। ये सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का, एक और चीज आपको बता दूं, आपकी काउंसलिंग दो फेजेस में होती है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है जो कि 15% सीट के लिए होती है। अब ये क्या होता है बच्चे नहीं समझ पाते, इसका मतलब होता है कि इन एवरी स्टेट ऑफ योर इंडिया, अब हमारे इंडिया के हर एक स्टेट के जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वेदर दे आर प्राइवेट वेदर दे आर गवर्नमेंट, कोई भी, सारे के सारे कॉलेजेस के लिए जो 15% सीट होती है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर 100 सीट है तो 100 में से जो 15 सीट है दैट 15 सीट्स आर ओपन फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ठीक है। जो सारे इंडिया में जो आपकी मेरिट आएगी, लिस्ट बनेगी, जो भी बच्चा उन कॉलेजेस को भर रहा है, अगर उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसको वो कॉलेज अलॉट होता है, तो वो 15 बच्चे सीट ले सकते हैं, वो किसी भी स्टेट के होते हैं। ये काउंसलिंग आपकी पहले होती है स्टेट से, स्टेट काउंसलिंग बाद में शुरू होती है, तो पहले जो शुरू होगी दैट विल बी योर ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है, AIQ बोलते हैं उसको, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, वो 15% सीट्स के लिए रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग चलेगी, इसके अंदर भी बेटा दो राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज भरना होता है, अगर उसमें नहीं मिलता तो सेकंड राउंड में कॉलेज भरना होता है, उसमें भी नहीं मिलता तो फिर आपका मॉपअप राउंड होता है जो लास्ट में सीट्स बची होती है उनके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग खत्म हो जाता है। ये लगभग लगभग आपका मैं कहूं तो 20 से 25 दिन चलता है। जब तक ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म नहीं होता तब तक स्टेट काउंसलिंग शुरू नहीं होता, क्योंकि ऑल इंडिया की जो सारी सीट्स बच जाती हैं, अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, कोई दूसरे स्टेट का है, सपोज मैं एमपी का हूं, मुझे दिल्ली में कॉलेज मिला है, मुझे नहीं लेना है, तो मैं वो सीट छोड़ देता हूं, तो ऐसे करके बहुत सारी सीट्स बच जाती हैं। वो सारी की सारी सीट्स अब जो 85% कोटा बचता है हर एक स्टेट में, वहां जाके मर्ज हो जाती है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, 100 सीट थी, 15 ऑल इंडिया कोटा की थी, आपकी जो 85 सीट्स थी वो किसकी थी, स्टेट कोटा की। तो उस स्टेट कोटा में मान लो 5 सीट ऑल इंडिया वाली खाली रह गई, तो अब आपके पास जो 90 सीट्स है ना, उसमें ऑल इंडिया से बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, अब उसमें सिर्फ स्टेट वाले बच्चे लेंगे, उस काउंसलिंग को बोलते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग। क्लियर है, ठीक है। ये काउंसलिंग आपकी कब शुरू होती है बच्चों, ये काउंसलिंग शुरू होती है ऑल इंडिया कोटा खत्म होने के बाद। तो जैसे ही ऑल इंडिया खत्म होता है, मेरे टाइम पे जिस टाइम मैंने नीट क्लियर किया था, जब 3 राउंड हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन मॉप अप हुआ था, तो इस बार से मतलब पिछली बार 2 ही हुए थे, उससे पहले 2 हुए थे, तो अब एनटीए ना उस हिसाब से देखता है कि भाई सीट्स कितनी क्या बच रही है, तो अब 2 राउंड तो नॉर्मली मान के चलो कि सर फर्स्ट राउंड हो जाएगा फिर सेकंड राउंड हो जाएगा। यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ओके, बिकॉज़ यू नो इतनी मेहनत हमारी भी लगती है, तो यू जस्ट ऑल्सो प्लीज ओके, और बेल आइकन दबा देना जिससे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, ठीक है, ओके। सो वेयर वाज आई, ओके, तो स्टेट कोटा में आपको बता रहा था। तो स्टेट कोटा में आपके 2 राउंड मान के चलो आप लोग, तो क्या होता है, जैसे ही आप लोग मतलब आपका जो स्टेट कोटा का स्केड्यूल होगा, अब ये स्केड्यूल आपका कौन रिलीज करेगा, ये सारे के सारे आपके स्टेट कोटा के जो भी आपकी एसोसिएशन है वो लोग रिलीज कर देंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, ठीक है।
इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट राउंड की वो डिटेल्स देंगे, उसके अंदर क्या करना है वो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। तो फर्स्ट राउंड जैसे ही आपका होगा, उसके अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन में एक आपके पास आपकी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो खुद की हो, एक पर्सनल फोन नंबर होना चाहिए जो खुद का हो, और आप लोगों को आपकी सारी डिटेल्स भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स भरना होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला रिजल्ट से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। मैं एक वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट। ऐसे 14 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम डॉक्यूमेंट्स आपको भर देना है सारे के सारे। दैट विल बी योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग, दैट इज रजिस्ट्रेशन इज डन। आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी एनटी की वेबसाइट पे, ठीक है, वहां पे एक प्रोफाइल, जब भी आपको पासवर्ड और आईडी दोनों मिल जाएंगे, उसको ध्यान से संभाल के रखना, वो लास्ट तक चलेगी आपकी। तो पासवर्ड डालोगे, फिर आप आईडी डालोगे लाइक दिस, फिर ऐसे पासवर्ड आईडी डाल के आपकी वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके। फिर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उस आईडी पे ही आएगी। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, ये 2 या 3 दिन रजिस्ट्रेशन चलता है, उसके 3 दिन बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। दैट विल बी द सेकंड स्टेप ऑफ योर काउंसलिंग, उसमें आपको कॉलेज अलॉट भरना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कैसे कॉलेज अलॉट करना है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो देखो सारे बच्चे हमेशा याद रखो, पहले सारे गवर्नमेंट कॉलेज आने चाहिए, वो भी सबसे पहले टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज डालो आप लोग, सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपको चाहिए, फिर उसके बाद। और अगर आपका मन है कि आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो तो फिर फर्स्ट राउंड में भर सकते हो, मन नहीं है तो फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मत भरना। क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको वहां जाकर रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप सेकंड राउंड में जा पाओगे। अगर आपको प्राइवेट मिल गया और आपको नहीं लेना तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको चाहिए तो ही प्राइवेट भरो सेकंड में, नहीं चाहिए फर्स्ट में, नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दो, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये कॉलेज फिलिंग प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद आ जाता है आपके 2 या 3 दिन बाद इसका रिजल्ट कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जैसे ही आता है कि भाई आपको ये कॉलेज मिल गया, ये मिल गया, उस पर आपको फिर आपका एक नीट अलॉटमेंट लेटर आता है, वहां रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है कि आपको मतलब रिपोर्टिंग डेट लिखा रहता है कि भाई इस तारीख को आपको कॉलेज में जाना है, वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट राउंड। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, आपका विदिन 1 वीक सेकंड राउंड का स्केड्यूल रिलीज करता है, और सेकंड राउंड के अंदर अब कौन भर सकता है सेकंड राउंड वो देखो। सबसे पहले वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने, सारे बच्चों ने आपको कॉलेज मिल चुका है और आपको अपग्रेड करवाना है। मतलब आपको मान लो कोई थर्ड लेवल का कॉलेज मिला जो आपने तीसरे नंबर में भरा, बट आपको फर्स्ट और सेकंड भी चाहिए, आपको लग रहा है मिल सकता है, तो आप सेकंड राउंड में सिर्फ वही 2 कॉलेज भरना, नीचे का मत भर देना, ठीक है ना। वरना आप जानते ही हो कि आपको अगर उससे अच्छा कॉलेज मिला है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको भरने का, ठीक है। सो ये आपका सेकंड राउंड। और कौन बच्चे भर सकते हैं, ऐसे बच्चे भी भर सकते हैं जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो भी सेकंड राउंड में सारे कॉलेजेस भर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे कतई नहीं भर सकते जिन्हें फर्स्ट राउंड में मिला है लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, जाके ज्वाइन नहीं किया, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बच्चे बाद में भूल जाते हैं, रह जाते हैं कि नहीं सर हमको पता ही नहीं था, हम लोग भूल गए, हमको कॉलेज लेना था नहीं लेना था। तो प्लीज डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स, ओके। ये सेकंड राउंड की बात हो गई। सेम प्रोसेस होता है आपको इसमें रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना जो न्यू है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में। एक और चीज, ऐसे बच्चे भी भर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है ना, वो सारे बच्चे भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है, लेकिन जो उन बच्चों ने पहले कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, वो डायरेक्टली सिर्फ अपग्रेड कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज फॉर द न्यू कमर्स ओनली, ठीक है। ये सेकंड राउंड हो जाता है, फिर इसमें भी सेम आप वो कॉलेज जो भर देते हो उसके 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। रिजल्ट आने के बाद फिर आपको वो डेट और टाइम बता देते हैं कि भाई इस दिन इस डेट और इस टाइम पे आपको वहां पहुंचना है कॉलेज में, ठीक है। सो ये आपका सेकंड राउंड खत्म होता है। इसके बाद मेरे टाइम पे थर्ड राउंड भी होता था कि सीट बच जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब थर्ड राउंड की जगह क्या होता है बेटा, मॉपअप राउंड होता है। एंड मॉपअप राउंड के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मॉपअप राउंड में 300 400 नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिलेगा? नहीं बेटा, मॉपअप राउंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको इतने कम नंबर में कॉलेज मिलेगा। मॉपअप राउंड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या सच्चाई है मॉपअप राउंड की, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका 5 से 10 नंबर का फर्क आता है, जो सीट्स एट द लास्ट बच जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर मॉपअप राउंड के अंदर वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर जिन्होंने कभी एक भी काउंसलिंग भी अटेंड नहीं की, वो बच्चे सारे मॉपअप राउंड में जाकर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और मॉपअप राउंड में भर सकते हैं।
एंड उसका मॉपअप खत्म होने के बाद आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है और आपका मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, आई होप सो वीडियो पूरी पसंद आई है और आपको वीडियो अच्छी भी लगी। यार अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बिकॉज आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप लोगों को दे सकूं, फाइल अप कर सकूं। एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय एंड बी लक, गुड लक, सेफ।